महाराष्ट्र में मनुस्मृति के श्लोकों और गीता के पाठ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता जितेंद्र आव्हाड स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को शामिल करने की कोशिश के विरोध में सड़क पर उतर आए। जितेंद्र आव्हाड ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाते हुए मनुस्मृति के पन्नों को जला दिया। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मनुस्मृति और गीता के श्लोकों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का मुद्दा सुर्खियों में है। राज्य सरकार के इसी फैसले के विरोध में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का उग्र रूप सामने आया। उन्होंने मनुस्मृति के पन्नों को जला दिया। बुधवार दोपहर को उन्होंने रायपुर जिले के महाड़ में मनुस्मृति को जलाया है। इसके विरोध में बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में मनुस्मृति के श्लोकों और गीता के पाठ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता जितेंद्र आव्हाड स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को शामिल करने की कोशिश के विरोध में सड़क पर उतर आए। जितेंद्र आव्हाड ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाते हुए मनुस्मृति के पन्नों को जला दिया। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मनुस्मृति और गीता के श्लोकों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का मुद्दा सुर्खियों में है। राज्य सरकार के इसी फैसले के विरोध में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का उग्र रूप सामने आया। उन्होंने मनुस्मृति के पन्नों को जला दिया। बुधवार दोपहर को उन्होंने रायपुर जिले के महाड़ में मनुस्मृति को जलाया है। इसके विरोध में बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर निशाना साधा है।